समस्तीपुर जिले में शराबबंदी को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो बिल्कुल भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। इसी कड़ी में सख्ती दिखाते हुए जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा विभूतिपुर थाना एक पुलिसकर्मी को शराब की नशे के हालत में पाए जाने पर पकड़ा गया है। बताया जाता है जिसे पुलिस अधीक्षक के द्वारा विभूतिपुर थाना के हाजत में बंद कर दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा विभूतिपुर थाना कैंपस स्थित उसके आवास से उसे नशे की हालत में और शराब के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसे देवोतेपुर थाना के हाजत में बंद कर दिया गया। घटना बीते शनिवार रात्रि की बताई जा रही है। ताजा जानकारी के अनुसार रविवार दिन के 12 बजे करीब उसे समस्तीपुर ले जाया गया। इसके बाद पूरे जिले के पुलिस महकमे वैसे पुलिसकर्मियों के बीच हड़कंप मच गया, जो मद्य निषेध में लापरवाही बरत रहे थे। जहां पुलिसकर्मियों पर जिले में सख्ती से शराबबंदी लागू करवाने का जिम्मा है, वहीं कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा शराबबंदी को धंधा बताते हुए खुद नशे में टल्ली होने की आदत है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने एक तरह से सभी पुलिसकर्मियों को संदेश दे दिया है कि मद्य निषेध में कोताही और कर्तव्यहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वैसे इस खबर की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन लोगों के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा की गई इस कार्रवाई की प्रशंसा चहुमुर की जा रही है। समस्तीपुर जिला से अमरदीप नारायण प्रसाद की रिपोर्ट।